एक एज तक वो दौड़ सकता है, उसके बाद भी ये प्राथमिकता किस बात की देख रहे हैं? हम पिछले बहुत सालों से देख रहे हैं कि जो डिफेंस से आते हैं रिटायर, उनको ये प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल सर, हम देख चुके हैं। और गाड़ी बन पाती है आर्मी से आने के बाद भी, एक गाड़ी बनेगा उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, मिल जाएगा बैंक के बाद मिल जाएगा, ट्रेन मिल जाएगा। सर 2 जून 2021 में ज्वाइनिंग हुई थी एयरफोर्स की, एक साल हो गया अभी तक ज्वाइनिंग नहीं थी, और अब लास्ट में कह रहे कैंसिल कर दे। हमारा जो मेंटल डिप्रेशन था वो कौन झेलेगा? इनको कोई मतलब नहीं, सरकार बहरी हो चुकी है, इतनी मेजोरिटी में आ चुकी है, कुछ समझ नहीं आता। और बोलते शांतिपूर्वक करो, शांतिपूर्वक सुना गया 2 साल से कर रहे हैं सर, जंतर मंतर में जाके आगे सब कुछ करके आगे, कहीं नहीं सुनते सर ये किसी की, और आप जाके कह रहे हैं कैंसिल कर देंगे, कैसे कैंसिल कर देंगे? इंतजार कहीं ना कहीं है आप लोगों को, आपका भी रिटर्न कहीं ना कहीं जी रिटर्न रुका है, एयरफोर्स रिजल्ट और एनरोलमेंट रुका है सर, पिछले 2 साल से हम दे चुके हैं उसको। इसमें कोई सरकार ने हमें ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया है सर, हमें पता नहीं कि पिछले 2 साल से ये कौन सा रीजन है कि जो कोविड है वो सिर्फ डिफेंस के क्षेत्र में लग रखा है, जवान की भर्ती पे लग रखा सर, ये ऑफिसर्स की भर्ती पे नहीं लग रखा, जवान की भर्ती पे लग रखा। और लास्ट में आके ये बोलते हैं हम DOT स्कीम लाते हैं और आपके जो पिछले एग्जाम हुए हैं, पिछले जो वैकेंसी है उसको रद्द कर देते हैं। सर एक तो खिलवाड़ किया गया है सर, बहुत बड़ा धोखा है ये हमारे दोस्तों हमारे साथ सर, हमारे साथ। और उसके बाद हम बात करते हैं इनको DOD की स्कीम लाने की, सर कोई सर फ्यूचर हमें अपना यूथ का दिख ही नहीं रहा है इस DOD में। थैंक यू सर। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, आप बोलते हैं ना कि DOD लाएंगे 40 से 45 हज़ार रुपये, 45 हज़ार वैकेंसी हम भरेंगे, कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। सर इससे पहले युवाओं के लिए भी मौका था, इससे पहले भी गांव देहात के लोग जाते हैं सर, ये नेताओं के बड़े बड़े लोग नहीं जाते, वहां देश को सर्व करने के लिए हम जाते हैं। तो हमें फुल कम से कम अपनी सिक्योरिटी दे दो, हमारा वो आगे फ्यूचर सब सेफ रहेगा, 4 साल बाद हम क्या कर लेंगे? एकदम बहरी सरकार है, फर्जी सरकार है, फर्जी स्कीम ये लाई है। इनके BJP के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं सारे चैनलों पे, नेशनल मीडिया में बैठ के, और सारे देश का बेवकूफ बना रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। ये भी अपना पे कहीं प्रवक्ता हो, क्या क्या कह रहे हैं? इन लोगों ने सारे मीडिया खरीद लोगों ने, कहीं कोई बातचीत नहीं चलती इसके बारे में ना कुछ। सर जो सपोर्ट करते हैं उसे लोग बाहर कर देते हैं, जो भी सपोर्ट करेगा मतलब युवाओं के साथ आपका कहना छल एक तरह से कर रहे हैं, जो सरकार की ये स्कीम DOD टूर ऑफ ड्यूटी की बात कर रहे हैं और अग्निपथ के नाम से। पर आपने ये भी देखा होगा कि एक बड़ी पीड़ा भी इनकी दिखती है, क्योंकि सारी मीडिया में ये दिखा रहे हैं कि इसके फायदे जरूर है। तो पर ये जो युवा है जो तैयारी कर रहा है कई वर्षों से, रिटर्न उनका नहीं हुआ है, तमाम चीजें रिटर्न छोटा है, 2 जगह का रिटर्न मेरा, मैं 26 अक्टूबर को मैंने गढ़वाल रेफर कर मारता है फीडो में मेरा रिटर्न छूट रहा है। सर मैंने 11 जनवरी को मैंने बेंगलोर AC सेंटर साउथ का रिजल्ट मारा था सर, मैंने रिटर्न पास हूँ मैं, वहाँ का भी सर मेरा रिटर्न छूट रखा था, इन लोगों ने सब कैंसिल कर दिया वो। आप कह रहे थे कुछ सर, आप कह रहे थे इसमें युवाओं को फायदा दिख रहा है। नहीं, वो सरकार बताती भी नजर आ रही है सर, तो हमें फायदा दिख रहा होता तो हम यहाँ रोड पे आते। सर आप बताइए हम क्या सरकार के खिलाफ जाते हैं अगर हमें फायदा दिख रहा होता? सर इसमें कोई फायदा नहीं है, सरकार हमारे साथ भ्रम खेल रही है, ये है सर कहने का मतलब। सर पहले तो इन्होंने 2 साल से सी काम नहीं करा, बिल्कुल कोविड के रीजन से। सर इनकी रैलियां निकल सकती है, वो भी एकदम लाखों 50,000 40,000 के अमाउंट में। सर हमें यहाँ भी 50-60 बन जाए तो सर ही नहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो सर मेरे कहने का मतलब है युवाओं के साथ ना खेला जाए, उन्हें उनका हक दिलाया जाए, हमें नहीं जाना शॉर्ट टर्म से। सर 3 साल तो हमें ट्रेनिंग में लग जाते हैं फौज के लिए, और सर और उसमें सर 4 साल की स्कीम है सर, 1 साल तो छुट्टी में जाएगी, 6 महीने ट्रेनिंग में। सर 1.5 साल में हम क्या सीखेंगे सर, आप ये बताओ ना। तो सर अन्ना पेंशन सर जो भी राजनीतिक है सर, जितने भी ये पार्लियामेंट, इनकी 2-2 पेंशन है सर, और हमारी सर ये 1 पेंशन थी वो भी हटा दिया अब इन्होंने अग्निपथ नाम से। और सर जो इनका पुराना सिस्टम था जो रैलियां भर्ती होती थी वो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिए। सरकार कह रही कि हमें कि डिफेंस पे बजट खर्च करने से कोई इशू नहीं है। सर अगर इशू नहीं होता तो ये स्कीम क्यों लाते? सर एक तो ये जवानों की कटौती कर रहे हैं आर्मी में, सर ऊपर से ये 4 साल की स्कीम और ला के, और सर पेंशन योजना इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। और सर जो भी सैनिक अगर 4 साल बाद रिटायर होगा उसे कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे सर। और सर जो 11 लाख रुपए कह रहे हैं कि उन्हें पेंशन के तौर पे मिलेगा सर, वो हमारी सैलरी से कट के ही हमें मिलेगा सर। जैसे 30,000 सैलरी होगी तो उसमें हमें 21,000 मिलेंगे, बाकी 9,000 वो फंड कटेगा, वही सर हमें आखिरी में मिलेगा सर। तो हमारे कहने का मतलब हमारे साथ खेला ना जाए, हमें जो हमारा हक है वो हमें दिलाया जाए, और हमें अपना हक मानने का पूरा। कब से तैयारी कर रहे थे, कब से तैयारी कर रहे हैं सर? मैं ना सर 2018 से तैयारी कर रहा हूँ सर, 1-2 साल तो भर्ती आई नहीं कोविड के चक्कर से। सर भर्ती आई, फिजिकल पास करा, मेडिकल पास करा सर, इन्होंने एग्जाम की डेट पोस्टपोन कर के सर 2.5-3 साल कर दिया सर, अब अभी तक एग्जाम नहीं हुआ सर। अब ये नई स्कीम ला के कह रहे कि पुराने एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे सर, ऐसा हमारे साथ खेला जा रहा है सर, कह रहे कि आर्मी एग्जाम कैंसिल होगा सर, क्यों होगा कैंसिल ये बताइए। बिल्कुल ये पीड़ा है, देख सकते हैं चेहरे जो है आप खुद बयां कर रहे हैं, सब पीड़ा है।
आज हमारी से 19-20 साल है, हम 4-5 साल वापस आएंगे, हमारे 24-25 साल, तब क्या करेंगे सर? ना कॉलेज के लायक हम, ना घर के लायक सर, क्या होगा सर हमारा? ये कौन पूछेगा हमें? सर आज बंदे फौज स्टार्ट होते हैं 17-18 साल में, तो उन्हें कुछ जॉब नहीं दे पा रहे सर ये लोग, हमें क्या जॉब देंगे सर? ये सर बना रहे सर पब्लिक का लोग सब, ऑफिसर लोग थे इन्होंने परमानेंट कमीशन कर दिया सर, इनको फिर कोई मतलब नहीं जवानों से मतलब, ये आरोप कहीं ना कहीं है क्योंकि अधिकारियों की जो पोस्ट आ रही है, पासिंग आउट परेड हो रही है, क्या कहेंगे इस पर कि जवानों के लिए ही तमाम चीजें हैं, अधिकारियों के लिए जो ऑफिसर पोस्ट पे है उनके लिए? बात ऐसी है, पॉलिटिक्स है जो, उसमें बहुत करप्शन चल रहा है, अगर इनको पैसा बचाना है तो वहाँ से भी बच सकता है, ठीक है? और एक इंडियन आर्मी का बंदा देश की रक्षा कर रहा है, गोली खाने को भी तैयार है, तो वो कारण वो कर रहा है, तो उसके लिए ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? बच्चे इतने परेशान हो रखे हैं और बोल रखा है कि 4 साल के बाद नौकरी मिलेगा, कॉलेज वालों को तो नौकरी मिल नहीं पा रही है, जो इतने एजुकेटेड है, हम 10वीं 12वीं पास वालों को क्या नौकरी मिलेगी, हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं लोगों से? बिल्कुल हाँ, आप अपनी MLA MP की पेंशन तो हटाते नहीं, एक बंदा एक दिन के लिए MP बन गया मेरे, उसके आप पेंशन लगा दोगे, वो किस बात की पेंशन उनके लिए? सारे करप्शन करके बैठे, मैं आपको बताऊँ, एक गांव में अगर एक प्रधान भी बनता है ना, 5 साल बाद अगर हटता है ना, तो उसकी जमीनें निकलती हैं बाहर से, एक फौजी को क्या मिलता है? 17 साल जॉब करके भी आएगा, एक बेचारा अपना घर ही बना पाता है, ये तो उससे वो भी ले रहे, 4 साल बाद बेरोजगार बना देंगे, कहाँ जाएंगे हम? बेरोजगारी हटा नहीं रहे सर, और बढ़ा रहे, 4 साल बाद और बेरोजगारी बढ़ाएंगे, इन्हें दिख नहीं रहा जो ये बीजेपी की गलत नीतियां है ना, 10 से 12 साल बाद जब इन्हें दिखेंगे ना देश को किस रास्ते में ले आ रहे हो जाएंगे, और जो सारे अंधभक्त बैठे ना इनको पता चलेगा सर बाद में, जो बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं नेशनल मीडिया में बैठे, इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती, जो एंकर है सर सब बिक चुके हैं ये पे, आज तक के जितने भी है सारे बिके हुए सर, कोई हमारे हमारे साइड नहीं लेता, अगर आज के टाइम पे हम विरोध भी करेंगे ना, सिंपैथी गवर्नमेंट को मिलती है कि गवर्नमेंट ने अच्छा क्या होगा, हम बेवकूफ नहीं है सर, हमें भी सब समझ आता है, पर सुनने को कोई राजी नहीं, क्या करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, कोई सुनता नहीं है, अगर यहाँ पे हुड़दंग करेंगे तो पुलिस वाले बोलते हैं क्यों करेंगे सर हम, कल एक दिन में सर 40+ बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कल से लेके आज तक सारे रिकॉर्ड है, फोन में सारी फोटो में पड़ी है सर, कौन जवाब देगा उनके, जो बच्चे 2-2 साल से इंतजार कर रहे थे, जो भी सारे कर्जा लेके मेहनत करते हैं सर, कौन सुनेगा उनकी, सब आत्महत्या करने के लिए मजबूर है सर, आज ये बड़े बड़े नेताओं के लड़के बाहर से पढ़ के आते हैं, अच्छी अच्छी वो लेके आते हैं, उनको डालो ना, उनसे क्यों नहीं बुलवाते, यहाँ अपने देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दो सारी, उसमें